Hello. Welcome to Arbind Singh Academy, and we are here to discuss about the tissue. We have discussed already 8 lectures before this. I hope you have already watched part 1 to part 8 before watching part 9. This is a part 9, and we are going to discuss about the epithelial tissue and type of epithelial tissue. In last lecture, we had discussed about the epithelial tissue, and let me remind once again about few things. Just few minutes I'll take about the remind what we had discussed in the last class, and thereafter we will discuss about the next topic what we are going to discuss. So पिछली क्लास में हमने बात किया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है और वो किस तरह से काम करता है, कहाँ मिलता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, उसकी क्या फीचर है बेसिकली, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था। आज उसके टाइप्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पिछली क्लास में जो हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कही थी, वो थोड़ा आखिरी में इनकम्प्लीट रह गई थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर, जैसा कि हमने बताया था। आज उसको पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या था कि ये जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू वो होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, कि ये जो होता है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और ये क्या करता है, पूरी ऑर्गन्स के इंटरनल और एक्सटर्नल कवरिंग को कवरिंग होती है। ये जितनी भी कैविटी है, जैसे कि इसोफेगस है, माउथ का इंटरनल लेयर है, ब्लड वेसल्स का लेयर है, स्टोमेक का लेयर है, इंटरनल लेयर, इन सब लेयर्स को जो जिससे बनता है वो टिश्यू है, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये लेयरिंग का काम करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल लेयरिंग का काम करता है, इंटरनल और एंड एक्सटर्नल लेयरिंग, एक्सटर्नल लेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, ये हमने पिछली दिन बात किया था और हमने बताया था कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयरिंग का काम करता है ये, और सारे जितने भी हमारे माउथ के जो इंटरनल लेयरिंग है या इवन इसोफेगस है, यानी गले की जो नली है जिससे भोजन अंदर जाता है, जिससे फूड हम इनहेल करते हैं, वो सारी चीज, और स्टोमैक हो गया, इसी तरह से डियोडेनम हो गया, या जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो पूरा का पूरा जो है उसका लेयरिंग जो है वो इसी से बना होता है। इसके अलावा जो हमने बताया था कि ब्लड वेसल्स होती है, उनकी भी इंटरनल लेयरिंग जो होती है वो भी इसी से बना होता है। तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल लेयरिंग होता है। अब लेयर्स क्या होता है, लेयर हो सकता है ये सिंपल लेयर हो सकता है और मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। तो जैसे लेयर की बात किया तो ये किस तरह के होंगे, ये दो तरह के होंगे, एक सिंपल लेयर होंगे, यूनि लेयर और मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर, यूनि लेयर और मल्टीपल लेयरिंग हो सकती है। तो यूनि लेयर जो होगा वो एक ही लेयर होगा, मल्टीपल लेयर होगा जिसमें एक से कई ज्यादा लेयर हो सकते हैं। अब इनकी खास बात क्या है, वो हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि ये जो होता है इसमें एक सीट की तरह होता है, कंपैक्ट सीट की तरह होता है, इसके अंदर ये जो होता है ये कंपैक्ट सीट की तरह होता है, कंपैक्ट सीट की तरह होता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर नो इंटर सेलुलर स्पेस होती है, नो इंटर सेलुलर स्पेस होती है ना, इसके अंदर कोई मैट्रिक्स भी नहीं होता, एंड प्लस नो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होती है जो सेल्स के बीच में फ्लूड होता है, द फ्लूड बिटवीन सेल्स। जब स्पेस नहीं होता तो इसलिए क्या होता है, उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स भी नहीं होता, कोई फ्लूड भी नहीं होता बिटवीन सेल्स, राइट ना। तो ये जो है नो मैट्रिक्स, नो इंटरसेलुलर सेट, एक कंपैक्ट सीट की तरह होता है पूरी तरह से, इसके अंदर नो वैस्कुलर, वैस्कुलर भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ नो वैस्कुलर, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो कोई वेन या पाइप नहीं होती, यानी इसके अंदर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई इसके अंदर डायरेक्ट जो होता है वो वेन नहीं होता, कोई ऐसी जो है वो क्या होती है, नर्व नहीं होती, कोई ऐसी वेन नहीं होती, तो जो वेसल्स नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होता, नो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ, इसका मतलब है कि नो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन,
food and nutrition to this cell. तो फिर इनको मिलता कितना है, नरिशमेंट मिलती कैसे है? सो ये नियर बाय जो एलिमेंट्स होते हैं, नियर बाय जो एलिमेंट्स हैं मतलब ऑर्गन्स हैं, नियर बाय जो ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्स मींस ऑर्गन, नियर बाय एलिमेंट और ऑर्गन्स जो होते हैं उनके जरिए ये फूड और न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, सन की सप्लाई होती है, फूड न्यूट्रिशन इनकी जो होती है वो नियर बाय के एलिमेंट के जरिए सप्लाई होती है और वहीं से गैस वैस का एक्सचेंज होता है, गैस एंड मिनरल्स जो होती है वो एक्सचेंज होती है, राइट तो ये नियर बाय एलिमेंट से होता है इसकी सप्लाई, डायरेक्ट इसमें कोई सप्लाई नहीं होता, ये पूरी तरह से कंपैक्ट होता है, एक सीट की तरह होता है, इसमें एक लेयरिंग होती है, जैसे कि ये मान लीजिए कि अगर ये मैं कहूं कि एपिथेलियल टिश्यू ऐसे बने कि इस तरह का बने, इस तरह का, तो इसके अंदर जो है ये इस तरह का एक सीट की तरह होता है, पूरी की पूरी कंपैक्ट होता है, यानी यहाँ पे ऐसे इस तरह का कंपैक्ट सीट होता है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता और इस तरह से ये बना होता है, तो इनके बीच में जो है कोई, ये जो है पूरी तरह से ये सेल है, एक एक सेल है और इस सेल के अंदर जो होती है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक लेयरिंग होती है, यानी यहाँ पे एक लेयर होता है, जो लेयर होता है पूरी तरह से, तो एक लेयर होगी, एक सेल की बात करें तो एक लेयर होगी, इस सेल के बीच में भी एक लेयर होगी, तो एक एक लेयरिंग होती है बीच में, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पिछले दिन हमने बताया था ये ब्रश टाइप का होता है, ये पूरी तरह से जो लेयरिंग होती है वो लेयर होता है, ये सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर हो सकते हैं, इस तरह से ये जो लेयर होता है ये लेयर, ये यूनि लेयर हो सकता है या मल्टीपल लेयर हो सकता है, दोनों तरह की चीजें हो सकती है, और यहाँ पे इसकी वजह से इसमें कोई स्पेस नहीं होता, कोई मैट्रिक्स नहीं होती, और इसमें जब चूंकि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इसमें नो वैस्कुलर होता है, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट कोई चीज सप्लाई नहीं होती, ये नियर बाय जो ऑर्गन्स हैं या चीजें हैं उसके वहां पे जो सप्लाई होती है उससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है और वहीं से इसको गैस वैस का एक्सचेंज होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, मिनरल का एक्सचेंज होता है, बट डायरेक्ट इसमें कोई सप्लाई नहीं होती, यानी इस टिश्यू के अंदर कोई वेन नहीं होता, कोई वेसल नहीं होती, कोई ब्लड की डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती। ब्लड की सप्लाई क्यों जरूरी है? ब्लड की सप्लाई इसलिए जरूरी है कि ब्लड के सप्लाई के जरिए ही जो होता है फूड और न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है, लेकिन इस टिश्यू को ऐसा कुछ नहीं मिलता। एक और खास बात होती है इस टिश्यू की कि इसमें रीजेनरेशन की एबिलिटी होती है, लाइफ लॉन्ग रीजेनरेशन होती है, जेनरेशन लाइफ लॉन्ग होती है, लाइफ लॉन्ग होती रहती है, यानी आपने जैसे देखा होगा कि जो बाहर का हमारा स्किन है, ये स्किन भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, और इसमें धीरे 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 इसमें क्या होती है कि बाहर का स्किन जो है वो निकलता रहता है और अंदर से स्किन निकलता रहता है, तो ये जैसे जैसे ये जनरेट होता है स्किन और बाहर के जो डेड स्किन होते हैं वो बाहर से निकल जाते हैं, कई बार आप देखे होंगे कि लोगों के हाथ में से या कहीं से भी ऊपर का स्किन जो है उतर जाता है और अंदर से स्किन होता है, या कहीं जल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऊंड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बाहर का जो स्किन है वो निकल जाता है और अंदर का स्किन, बाहर डेड स्किन जो होता है वो बाहर से निकल जाता है और अंदर से न्यू स्किन इसके अंदर जेनरेट होता रहता है। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू ये इस तरह से काम करता है और इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर है, ये सब हम कहें तो ये क्या है, ये है इसका फीचर्स। और ये मिलता कहाँ है, तो ये हमने बता दिया कि कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है कि ये जो जितने भी हमारी बॉडी के आउटर और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, इंटरनल कवरिंग होती है, और जितनी भी कैविटी है, चाहे वेसल्स हो, चाहे स्टोमेक हो, चाहे माउथ का लेयरिंग हो या इसोफेगास हो, सब जगह की जो इंटरनल लेयरिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, और ये रेस्ट ऑन फाइब्रस लेयर होता है, जिससे कि फाइब्रस लेयर का मतलब ये हुआ, इसको बेसमेंट एक फाइबर की तरह होती है, तो रेस्ट ऑन फाइब्रस लेयर दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बात भी हमने बताई थी कि इट रेस्ट ऑन फाइब्रस मेम्ब्रेन, फाइब्रस लेयर जिसको हम कहते हैं
बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमने पिछले दिन बताया था आपको। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी की पूरी एपिथेलियल टिश्यू का फीचर है, वो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। आज टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे कि किस किस तरह का एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला जो होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल होता है, उसके बाद सिंपल स्क्वेमस होता है, ये जो है वो, उसके बाद कलमनर होता है, और कलमनर जो होती है उसी तरह से फिर एक स्ट्रेटिफाइड होता है। तो इस तरीके से ये चार तरह का, बेसिकली हम कहेंगे पांच तरह का होता है, वैसे तो हमने आपको बताया हुआ है कि पांच तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनकी चर्चा हमें करनी है। तो ये जो चीजें हैं, चार तरह के, पांच तरह के जो ये हैं टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, इनकी बारी बारी से हमें चर्चा करनी है। और ये पांच टाइप के एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से हैं पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम उनकी बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो, उनके टाइप्स क्या क्या है ये हम देखें पहले कि एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू के कौन कौन से टाइप हैं, ये बात हमने पिछले दिन भी बताई थी, आज फिर से बता रहे हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यू के कौन कौन से टाइप हैं। सो स्क्वैमस पहला होता है इसमें, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, नर, कोलमनर एंड कोल, सॉरी, कोलमनर एंड देन इज सिलिएटेड एंड लास्ट वन इज ग्रैंडुलर, ग्रैंडुलर। तो ये चार तरह के होते हैं। स्क्वेमस का मतलब होता है, बेसिकली नाम इनके शक्ल के हिसाब से पड़ा है, जैसे इनकी साइज होती है उसके हिसाब से इनके नाम पड़े हैं कि ये किस तरह के होंगे। तो स्क्वेमस का मतलब होता है कि ये जो है वो फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड, पूरा का पूरा फ्लैटेंड है, इसलिए इसका नाम है फ्लैटेंड जो है वो, इसलिए इसका नाम है स्क्वेमस। क्यूबाइडल का मतलब क्यूब शेप, क्यूब शेप्ड होता है, इसलिए इसका नाम है क्यूबॉइडल। दिस इज ए पीलर लाइक स्ट्रक्चर, सो पीलर लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका ये होता है। इसमें होता है सीलिया, रेशे की तरह होता है, एक सीलिया, बारीक सी रेशे की तरह होता है, जो पिछले दिन हमने आपको दिखाया था, सीलिया इसमें होता है, इसलिए इसको सीलिएटेड कहते हैं। और ये जो होता है सेक्रेटरी का काम, सेक्रेटरी फंक्शन करता है ये पूरी तरह से, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रैंडुलर। अब बारी बारी से इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज बारी बारी से हम समझते हैं एक एक करके कि इन जो पांच टाइप के हमने बताए एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला, जो कि इस हम बारी बारी से एक एक काम करते हैं। स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैटेंड, ये जो इसका शेप होता है, स्क्वेमस का जो शेप होता है वो होता है बिल्कुल ही मल्टीगोनल। मल्टीगोनल का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे इस तरह का करें कि ये जो शेप होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का मल्टीगोनल, और ये जो है इस तरह का मल्टीगोनल, मल्टीगोनल होता है, ये आगे जाके इस तरह से, इस तरह से ये बनेंगे और इस तरह का ये इनका स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इनका, इस तरह से, तो ये जो है ये बनते हैं मल्टीगोनल, और ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा और ये मल्टीगोनल होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो है वो
बढ़ते घटते ही आगे बढ़ते रहेंगे इनके। ये इस तरह का फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है जैसे ये देख रहे हैं। इसके अलग अलग ये जो है साइज है, यहाँ पे इसकी कुछ और साइज है, यहाँ पे इसकी साइज ऐसे है। तो ये जो होता है मल्टीगोनल स्ट्रक्चर का होता है और पूरी की पूरी तरह से फ्लैट होता है। ये जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि लेयर होता है एक, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ऊपर का जो लेयर है वो है फ्लैटेंड, पूरी की पूरी तरह से फ्लैटेंड है मेम्ब्रेन है। और ऊपर की जो है वो क्या है, पूरी की पूरी फ्लैट। और ऊपर का जो है ये पूरा का पूरा जो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है, एक टाइल की तरह दिखता है। इसका मतलब इसका जो शेप होता है वो टाइल शेप होता है। इट अरेंज लाइक टाइल्स, घरों पे जैसे टाइल होती है या दीवारों में जैसे टाइल होती है, घर के जो फ्लोर पे टाइलिंग होती है, तो अरेंज लाइक टाइल्स, टाइल्स टाइल्स की तरह अरेंज होती है ये पूरी तरह से। घर पे आप टाइल देखे होंगे, घर पे आपके फ्लोर पे टाइल होगी, लगी होगी, तो इस तरह से ये अरेंज रहता है। सो सिंपल स्क्वैमस एपिथिलियम आर सिंपल स्क्वैमस एपिथिलियम आर वेरी थीन एंड फ्लैट। सिंपल स्क्वैमस एपिथिलियम आर वेरी थीन एंड फ्लैट सेल, फ्लैट सेल्स मेड ऑफ वेरी थीन एंड फ्लैट सेल्स, फ्लैट टिश्यू बेसिकली। टिश्यू इज नथिंग एल्स बट कम्बिनेशन ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सो सिंपल स्क्वैमस एपिथिलियम आर वेरी थिन एंड फ्लैट सेल्स। इट इज मेड ऑफ डेलिकेट लाइनिंग, इट हैज वेरी डेलिकेट डेलिकेट लाइनिंग, लाइनिंग्स, राइट ना। और ये कहाँ मिलता है, तो ये जो हमारी माउथ की इंटरनल लेयरिंग होती है वहां पे भी मिलता है। माउथ की इंटरनल लेयरिंग कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए एक होता है माउथ की इंटरनल लेयरिंग, लेयरिंग में लाइनिंग जो होती है, इंटरनल लाइनिंग कह सकते हैं, माउथ की इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो एक सिंपल स्क्वायमस एपिथिलियम की वजह से होती है लाइनिंग। लाइनिंग और ये जो होती है वो दूसरा जो होता है ये माउथ की इंटरनल वेसल्स, जो ब्लड की वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वेसल्स ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जो होती है वो भी होती है इंटरनल लाइनिंग, वो भी जो होती है वो स्क्वायमस एपिथेलियस की होती है। इसके अलावा जो होता है वो किडनी का, किडनी में जो होता है वो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो होता है किडनी का वो भी इसी से बना होता है। और जो एल्विओलाई होता है आपका लंग्स का, वो भी इसी से बना होता है लंग्स का, लंग्स एल्वेलियो जो है वो इसी से बना होता है। ये सारी चीजें जो है वो स्क्वायमस एपिथिलियम से ही बना होता है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। सो ये जो लंग्स एल्वियोलाई है वो भी इसी से बना होता है, साफ साफ थोड़ा लिख दूं, लंग एल्वियोलाई जो है वो भी इसी से बना होता है। इसके अलावा इसोफेगस जो होता है, इसोफेगस जो होता है वो भी इसी से बना होता है। यानी जो नली है, जो भोजन की नली है वो इसी से बना होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसी से बनाता है। इवन आप हमारा इंटरनल जो एक्सटर्नल स्किन है वो भी सिंपल स्क्वायमस एपिथिलियम से बना होता है। जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है वो भी स्क्वायमस स्किन, स्किन इज आल्सो मेड ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथिलियम। एंड जब ये लेयर में, एक लेयर में बना होता है, मेनी एपिथिलियम सेल्स आर अरेंज इन लेयर्स, मेनी एपिथिलियम सेल्स आर अरेंज इन लेयर्स, आई कैन राइट हियर, लेट मी राइट हियर, मेनी एपिथिलियम सेल्स, एपिथेलियम
cells are arranged in layers to protect wear and tear of our body tear. So since they arrange in layers, right? So many layers. So that epithelium cells are called stratified epithelium squamous. Stratified epithelium thelium squamous. राइट. तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्क्वायमस जो होता है, ये जो होता है पूरी की पूरी, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्क्वायमस ये जो होता है वो इसी के, चूंकि ये लेयर्स में अरेंज है और इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्क्वायमस कहते हैं. यानी बाहर से जो स्किन है जो प्रोटेक्ट करता है वो भी कई लेयर्स में होते हैं, जो वियर और टीयर को बचाने के लिए होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, चूंकि लेयर्स में अरेंज होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं दैट एपिथेलियम सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स. तो ये पहले टाइप का जो एपिथेलियम सेल्स है जिसको स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हम कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई कि ये कहाँ पर होता है, हमारे बॉडी के किस किस ऑर्गन में होता है. जैसा हमने बताया कि माउथ की इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो होती है, इसके अलावा जो होता है इसोफेगास जो नली है, वहां से खाना खाने के बाद जिस नली से होकर के जाता है वो इसोफेगास, वो भी इसी से बना होता है. इसके अलावा जो किडनी का है, लंग्स का एल्विओलाई जो है वो भी इसी से बना होता है. किडनी का ग्लोमेरुलस ये एक स्ट्रक्चर होती है, वो भी इसी से बना होता है. ये क्या स्ट्रक्चर होता है जरा थोड़ा सा बता दे, एल्विओलाई क्या होता है वो भी बता दे थोड़ा, ताकि समझ में आए. क्या होता है कि जो किडनी होता है वो आपको पता है ये बटा होता है एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, फिर इसके फिर से सेगमेंट बटे होते हैं इसके इधर की तरफ और इधर भी होता है टर्शियरी लेवल पे इधर की तरफ. तो इस तरह से एक यहाँ पे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं, ये जो होता है इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई. और ये जो होता है ये क्या करता है, यहीं पे गैस की मेनली एक्सचेंज होती है, गैस एक्सचेंज यहीं पे होता है लंग्स के अंदर. तो ये लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज होती है, लंग्स का स्टेटर लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स ये होता है, इसमें यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है और इसको इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो इसी से बना होता है. इसके अलावा ग्लोमेरुलस किडनी में जो होता है नेफ्रॉन, किडनी में नेफ्रॉन होता है जो मेनली चीज होती है, वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वी टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो क्या करता है, यहाँ पे ब्लड को जो होता है वो वेस्ट मटेरियल को वाटर और यूरिन और यूरिक एसिड सबको बाहर इधर से निकालता है और बाकी ये ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर वापस भेज देता है. इसके अंदर एक और सेल्स होती है जो कि एक्स्ट्रा वाटर जो रिलीज होता है, बॉडी में वाटर की कमी ना हो उसको भी सोख लेता है. तो यहाँ पे जो इसकी इंटरनल लेयरिंग होती है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस मेरुलस. तो ये यहाँ पे जो होता है ये भी इसी का बना होता है, इसकी इंटरनल जो लाइनिंग होती है ये पूरी पूरी, ये जो लाइनिंग होती है इंटरनल ये भी इसी का बना होता है, ये जो पूरा का पूरा सेल्स होता है वो इसी का बना होता है. तो ग्लोमेरुलस और ये जो एल्विओलाई ये सारा का सारा इसी का बना होता है. इसके अलावा इसोफेगस जो हमने कहा कि माउथ है, माउथ के अंदर ये जो आप खाना खाते हैं कुछ भी और खाना खाते हैं, यहाँ से जो ये आपकी जो डक्ट है ये जो नली है जो जाता है और बाहर जाकर के स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है, डियोडेनम को जोड़ता है, ये पूरी की पूरी जो अंदर इसकी लाइनिंग बनी होती है वो भी क्या होता है, उसी का बना होता है. तो ये जो है ये इसी का बना होता है. इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो
बनी होती है इस स्क्वैमस एपिथिलियम से, ये सारा इंटरनल ऑर्गन में बना होता है। इसके अलावा जो होता है वो क्या होता है कि ये स्किन जो बाहर में स्किन जो है ये लेयर्स में, ये भी एपिथिलियम का ही बना होता है। सिंपल लेयर, मल्टीपल लेयर, ये दोनों हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो ये स्क्वैमस एपिथिलियम का ही बना होता है। और इसकी शेप कैसी होती है, तो ये थीन लेयर का बना होता है, थीन होता है और फ्लैट होता है, टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। और इसमें जो होता है वो लाइनिंग होती है जिसकी तरह से ये पूरी के पूरी जो होता है कंपैक्ट होता है, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। वो तो एपिथीलियम का बेसिक करेक्टर ही है जो कि आपको पता ही है। तो इस तरह से ये स्क्वायमस एपिथीलियम होता है। जब ये कई सारी लेयर्स में होता है, आउटर लेयर पे जो स्किन जो बाहर के वियर एंड टियर को बचाने के लिए होता है, तो कई सारे लेयर में जब होता है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम स्क्वायमस। और अब दूसरी टाइप के हम जो है एपिथीलियम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि स्क्वैमस एपिथिलियम क्या है, और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम जब मल्टीपल लेयर में होता है तो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम टिश्यू कहा जाता है, जैसे सिंपल स्क्वैमस है। और अगर ये लेयर में, जैसे कि ऊपर हमने दिखाया था कि ये सिंपल स्क्वैमस एपिथिलियम है, ये जो टाइल लाइक स्ट्रक्चर है, और फिर क्या होता है, ये जैसे जैसे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये मल्टीपल लेयर में हो, वही सारी चीज जो ऊपर में है देख रहे हैं, इसी तरह का स्ट्रक्चर जब मल्टीपल लेयर में हो तो इसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथिलियम। राइट, जब मल्टीपल लेयर हो तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल लेयर है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर एंड दे अरेंज लेयर्स टू प्रोटेक्ट, अभी बताया था आपको, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, राइट, वियर एंड टीयर। सो दे आर कॉल्ड, बिकॉज दे आर अरेंज इन लेयर्स, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियम। तो ये दूसरी बात हो गई, उसी के अंदर है, ये सिंपल एपिथिलियम के अंदर ही है। दूसरा हमने सीखा था पिछले में स्लाइड में देखा था कि इसके जो है दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, तो दूसरा होता है क्यूबाइडल एपिथिलियम। तो क्यूबाइडल एपिथिलियम क्या होता है, ये क्यूब शेप्ड होता है, इसमें कोई और स्ट्रक्चर नहीं होती, चूंकि ये क्यूब शेप्ड होता है। इसकी शेप कैसी होगी, तो एक क्यूब की तरह होगी, इस तरह से इसके शेप होंगे, इस तरह से इसके शेप होंगे, और ये जो होगा ये क्यूबाइडल एपिथिलियम कहलाएगा। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्यूब लाइक होगी, यानी इस तरह से ये एक क्यूब के शेप में बना होगा। तो ये जो हो गया क्यूब, और इस तरह से ये क्यूब बनेगा, इस तरह से ये क्यूब होगा, और इसके ऊपर में, सॉरी, इस तरह से इसके ऊपर में भी होगा, ये स्ट्रक्चर बना होगा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस तरह से ये जो होंगे वो क्यूब लाइक शेप बने होंगे, और इस तरह से चूंकि क्यूब लाइक शेप बना होता है इसलिए इसको हम कहते हैं क्यूबाइडल एपिथिलियम टिश्यू। ये कहाँ मिलता है, सबसे पहले अब जरूरी बात है ये जानने के लिए कि ये मिलता कहाँ है। तो क्यूबाइडल सिंपल को क्यूबाइडल एपिथिलियम जो होगा वो किस तरह का होगा, वो इस तरह का क्यूब शेप होगा। ये मिलता कहाँ है और ये कहाँ क्या होता है, तो ये जो बेसिकली होता है, ये जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना वहां पे मिलता है। रेटिना का जो आंख का जो इंटरनल पार्ट होता है, आपको पता होगा रेटिना क्या होता है, ये जो हमारा आई है, आई का ये एक्सटर्नल ये हिस्सा है, और यहाँ से जो लाइट जाती है तो ये जो अंदर का एक लेयरिंग होती है ये इसी टिश्यू का बना होता है, ये क्यूबाइडल टिश्यू का बना होता है, जो लाइट को, और इसमें मेलानिन जो पिगमेंट होता है, मेलानिन होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में, जब लाइट इधर से आ रही होती है तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे जाके इमेज बनाती है, और यहाँ पे इमेज बनता है। इसमें मेलानिन जो होती है वो रिसेप्टर की तरह अच्छा से काम करता है, और ये जो रेटिना का जो बाहर का अंदर का हिस्सा होता है वो इसी से बना होता है। इसके अलावा टेस्टिस जो होता है वो इसी का बना होता है, ओवरी जो होता है वो भी इसी का बना होता है, ओवरी जिसमें ओवम बनता है, टेस्टिस जिसमें स्पर्म बनता है, मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उन इनके यहाँ स्पर्म और ओवम बनते हैं, ये भी इसी का बना होता है। तो इन सब चीजों के अलावा
जो क्यूबाइडल एपिथिलियम है उसका उपयोग उसका जो बनने बनने का इसोफेगस के जो हमने बात करी थी वहां पे वो तो स्क्वामस एपिथिलियम का बना होता है, लेकिन सलिवरी ग्लैंड्स जो होती है, सलिवरी ग्लैंड्स जो होती है उसका जो हिस्सा होता है, उसका जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो क्यूबाइडल एपिथिलियम का बना होता है। इसके अलावा जो किडनी जो होती है ट्यूबल्स, तो वो भी जो होता है वो किससे बना होता है, वो इसी से बना होता है, क्यूबाइडल एपिथिलियम से। तो ये सारी चीजें ये कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको पता चल गया कि रेटिना का इंटरनल लाइनिंग बनती है, टेस्टिस का बनता है, ओवरी का बनता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है इसी का बना हुआ है, किडनी ट्यूबल्स जो है इसी का बना हुआ होता है। तो ये सब इससे बना हुआ होता है, चूंकि ये क्यूब लाइक शेप है इसलिए इसको क्यूबाइडल एपिथिलियम कहते हैं, और ये इन जगहों पे ये बना होता है। इसके अलावा जो तीसरे टाइप का अभी हमने बात किया था कि तीसरे टाइप का जो है जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है यानी कोलमनार, ये जो कोलमनार है ये कोलमनार एपिथिलियम क्या है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये किस तरह का एपिथिलियम है और क्या कर रहा है, कहाँ मिलता है, ये देखिए ये पीलर टाइप का स्ट्रक्चर है इसलिए इसको कोलमनार कहते हैं, और ये कोलमनार एपिथिलियम जो है वो पीलर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, चूंकि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, पीलर लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हम कहते हैं कोलमनार। तो ये कहाँ पाया जाता है, सो कोलमनार इज द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड बना होता है, जो इसी का बना होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन जो बना होता है वो इसी का बना होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो भी इसी का बना होता है। यानी ये जो चीज है, ये जो सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है, ये जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होती है वहां पे ये बना होता है, ये दोनों काम करता है, उसमें भी हेल्पफुल होता है, यानी इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है वो इससे बना होता है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो भी इसी का बना होता है। तो सिंपल कलमनार जो होता है वो इन जगहों पे पाया जाता है। चौथा जो हमने बात किया था कि चौथे टाइप का जो होता है वो सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिलिया होता है। सिलिया क्या होता है, ये हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जो आउटर सरफेस पे होती है, बाहर की ओर निकला होता है, और ये मूव भी कर सकता है, ये म्यूकस जो होती है उसको, लिक्विड जो होता है उसको ये फॉरवर्ड पुश करता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सिलिएटेड स्क्वामस, सिलिएटेड एपिथिलियम। सिलिएटेड एपिथिलियम का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सीलिया की वजह से है। तो ये हम लिखेंगे कि सीलिया की वजह से, इट हैज सीलिया, सिलिएटेड एपिथिलियम हैज सीलिया, सो वी कैन राइट हियर सिलिएटेड एपिथिलियम हैज सीलिया, सिलिएटेड एपिथिलियम हैज सीलिया, सिलिएटेड एपिथिलियम, थेलियम हैज सीलिया, सीलिया व्हिच इज ए हेयर लाइक, व्हिच इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैन मूव, व्हिच कैन मूव एंड पुश म्यूकस फॉरवर्ड, फॉरवर्ड म्यूकस फॉरवर्ड, व्हिच कैन मूव पुश म्यूकस फॉरवर्ड। तो इस तरह के एपिथिलियम को हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथिलियम होते हैं। म्यूकस क्या होता है, ये लिक्विड होती है जो कि आप जैसे कि कहीं पे भी हो, आप भोजन ही कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फूड दे रहे हैं, अगर अंदर में बहुत ही ज्यादा ड्राई हो तो उसको इनहेल करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए म्यूकस निकलता है इंटेस्टाइन्स के अंदर से, एक लिक्विड निकलता है म्यूकस टाइप का, जो कि उसको क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है,
और वो आसानी से अंदर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और आगे भी वो मूव करता रहता है। तो इस तरह से ये म्यूकस होती है जो कि इसको पुश करता रहता है, और यहाँ पे सीलिया स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये आगे की ओर मूव करता रहता है, और मूव करता है तो क्या होता है, म्यूकस को फॉरवर्ड पुश करता रहता है, बाहर निकलता रहता है। तो ये सिलिएटेड एपिथिलियम है। इसके अलावा जो है वो आखिरी का एक और हमने बताया था, ये जो है ग्रैंडुलर एपिथिलियम, ये सिक्रेटरी फंक्शन करता है, सिक्रेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ये जो है वो सिक्रेट करने का काम करता है। तो ये ग्रैंडुलर एपिथिलियम जो है वो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ग्रैंडुलर एपिथिलियम थेलियम ये क्या, एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियम सेल्स एक्वायर अनदर स्पेशलाइजेशन, अनदर स्पेशलाइजेशन टू, अनदर स्पेशलाइजेशन टू सीक्रेट सब्सटेंस एट एपिथेलियम सरफेस, एट एपिथेलियम सरफेस, एपिथेलियम सरफेस एंड दीज सब्सटेंसेस व्हिच इज सिक्रेटेड एट एपिथेलियम सरफेस, एट एपिथेलियम सरफेस दैट कैन बी फोल्ड इनवर्ड, दैट सब्सटेंस समटाइम्स sometimes fold inward, that is epithelium cells fold inward, substance fold inward and epithelium gland is formed, epithelium gland is formed, gland is formed, right? So that type of tissue, epithelium tissue is called, that type of epithelium tissue is called granular epithelium, is called granular epithelium. Epithelium, granular epithelium, right? तो ये ग्रैंडुलर एपिथिलियम होता है। ये ग्रैंडुलर एपिथिलियम हमने समझा कि क्या होता है, सिक्रेशन सिक्रेटरी फंक्शन में काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है, और इस तरह से ये एक स्पेशलाइज सिक्रेट करता है सब्सटेंस को, वो एट एपिथिलियम सरफेस, वो सब्सटेंस एपिथिलियम सेल्स के साथ इनवर्ड फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होकर के ग्लैंड बना देता है। उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, उस ग्लैंड को हम कहते हैं ग्रैंडुलर एपिथिलियम ग्लैंड, और उस ग्लैंड की वजह से या उस वर्च्यू की वजह से, यानी ऐसा टिश्यू एपिथिलियम टिश्यू जो एक ग्लैंड फॉर्मेशन करता है और सिक्रेट करता है, सिक्रेट करने का मतलब है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो सब्सटेंस है, जो लिक्विड है, वो एपिथिलियम सरफेस पे सिक्रेट करके बाहर निकालता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रैंडुलर एपिथिलियम। तो ये सारे के सारे 5 टाइप के एपिथिलियम जो थे उसकी चर्चा हमने कर ली है। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि देख लिया कि ये टिश्यू हैं उनको क्या करेंगे हम, ये जितने भी टिश्यू है एपिथिलियम टिश्यू है वो सारी की सारी क्या है कि उनके टाइप्स के बारे में हम सीख चुके और उनके टाइप के बारे में हम जान चुके, और सब जो 5 तरह के हमने ये सीखा कि स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलमनर और सिलिएटेड और ग्रैंडुलर एपिथिलियम टिश्यू है, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या शेप है, ये फ्लैटेंड शेप का होता है, ये पॉलीगोनल शेप का होता है, पॉलीगोनल शेप का होता है, और ये जो होता है क्यूबॉइडल शेप का होता है, इसका स्ट्रक्चर पिलर लाइक होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, कोलमनर कहते हैं, इसमें सीलिया की तरह बना होता है, इस तरह का बना होता है, ये
सीलिया की तरह, और ये कहीं इधर निकला होता है, इस तरह का सीलिया बना होता है, और ये क्या करता है, म्यूकस को फॉरवर्ड करता है, ये एक ग्लैंड बना देता है अंदर में फोल्ड होकर के, इसलिए इसको हम कहते हैं ये सिक्रेट एपिथिलियम सरफेस पे जो होता है वो क्या करता है, ये जो एपिथिलियम सरफेस पे सिक्रेट करके और सब्सटेंस जमा करता है, और फाइनली ये इंटरनली फोल्ड होकर के ग्लैंड बना देता है, इसलिए इसको ग्रैंडुलर एपिथिलियम टिश्यू कहा जाता है। तो ये पांचों के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ लिया, इसके बारे में और डिटेल जानने की जरूरत अभी आपको नहीं है, ज्यादा डिटेल बड़े क्लास में जानते हैं। और ये जो हमने बताया था कि ग्रैंडुलर ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस जो बना होता है वो स्क्वामस एपिथिलियम का बना होता है, लेकिन इसमें किडनी ट्यूब्यूल्स जो होता है इसके अंदर फिर एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से इधर बना दूं अगर, तो ये जो होता है वो क्यूबॉइडल, इस तरह का क्यूब बना होता है, इस तरह का ये ट्यूब बना होता है, ये ट्यूब जो होता है ये नेफ्रॉन में इस तरह का होता है, जैसे कि हमने बताया कि ये क्या होता है कि ये जो एक्सेस वाटर इसके अंदर जो रिलीज होकर के आता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये बना होता है वो क्यूबॉइडल एपिथिलियम का बना होता है, और ये सारी बातें हमने बता दी। और इसमें किडनी जो ट्यूबुल्स होता है वो इसी का बना होता है, तो हमने इन सारी बातों को आपको बता दिया, और आप इसको बारी बारी से याद रखें, और याद रखेंगे तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा, और नहीं याद रखेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज कम रहेगी। ये जो हमने बताया किडनी ट्यूबुल्स, तो वही है ट्यूबुल्स जो ग्लोमेरुलस होती है ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो किडनी ट्यूबुल्स होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको ट्यूबुल्स बोलते हैं, तो ये जो होता है वो क्यूबॉइडल एपिथिलियम का बना होता है। तो आपको ये सारी बातें लगता है कि समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसमें याद करना है, अगर आप इसे याद कर पाए तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपकी नॉलेज के लिए काफी होगा, और जो भी क्वेश्चन इससे आएंगे वो आप लिख पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले दिन फिर मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।